जैन साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती की एक विज्ञप्ति वायरल हो रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि कितने पदों पर भर्ती हो रही है, सीटेट अपेयरिंग को मौका मिलेगा नहीं, या अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी उन्हें 82 या 90, उनके जो पूर्णांक सीटेट में क्या हो गए, या जिनके 90 से कम अभी है, वो आवेदन कैसे कर पाएंगे सीटेट में। अगर गणित विज्ञान की बात की जाए, तो गणित विज्ञान में जो अभ्यर्थी पास है, तो क्या वो जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए गणित लेंगे या विज्ञान लेंगे। ये तेजी से जो है एक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है, यही नोटिफिकेशन है जिसके बारे में हम जानेंगे। अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि विज्ञप्ति सत्य है या नहीं, क्योंकि बीपीएससी की जो वेबसाइट है अभी उस पर पूरी तरह से पूरी विज्ञप्ति वो नहीं जारी, क्योंकि जो भर्ती की बात की जा रही है लगभग 1,20,000 पदों पर भर्ती की बात करें, लेकिन जो यहाँ पर इस वायरल जो पोस्ट है इसमें जो विज्ञप्ति दिख रही है वो 31,982 पद है, जिसमें वर्ग 6 से लेकर 8 तक है, 9, 10, 11 बजे सभी को मिलाकर। और इसमें आवेदन की तिथि जो दिखाई जा रही है वो 5 नवंबर से दिखाई जा रही है। इसमें सिलेबस में भी बदलाव दिखाया जा रहा है, अब सिलेबस में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पहले जो भाषा के साथ साथ जीएस और सब्जेक्ट के पेपर होते थे, जीएस के और भाषा के सब्जेक्ट जो होते थे वो अलग अलग होते, लेकिन अब एक ही पेपर में होगा, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे 120 की जगह। और जो 75-25 नंबर का भाषा था, मैंने भाषा के पेपर को अलग से जो होता था उसे खत्म करके अब एक ही पेपर होगा, जिसमें 120 नंबर जैसे आपने पढ़ा सिलेबस वैसे ही होंगे। अब भाषा में 30 नंबर होगा, 22 नंबर की हिंदी, 8 नंबर अंग्रेजी होगी, और इन दोनों को मिलाकर 9 नंबर अर्थात 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। और यह पेपर एक ही टाइम होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा, और जहां पर प्रश्नों की संख्या 150 होगी, माने 150 मिनट में 150 प्रश्न आपको हल करने होंगे। अब ये कहां तक सत्य है तो अभी आगे पता चल जाएगा, लेकिन आइए इसकी विज्ञप्ति पे नजर डालते हैं। एक बात एकदम स्पष्ट जान लीजिएगा कि सीटेट अपेयरिंग को मौका मिल सकता है। कई लोग इस बात को लेकर भ्रमित हैं और कहीं ना कहीं उनके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या सीटेट अपेयरिंग को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये भाई जान लीजिएगा, सीटेट अपेयरिंग को मौका मिल जाएगा। अभी सवाल है कि सर सीटेट अपेयरिंग पर मौका मिलेगा, तो सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद सीटेट की परीक्षा 1 जनवरी को होगी। तो देखिये, जब तक बीपीएससी का अंतिम रिजल्ट नहीं आ जाता, अंतिम परिणाम नहीं आ जाता, तब तक ये मान के चलिएगा कि उनको भी उस भर्ती में सम्मिलित रहेंगे। इसलिए अगर सीटेट का परिणाम, आने के बाद अगर बिहार शिक्षक भर्ती का परिणाम आता, चाहे 1 घंटे के बाद ही हो, 2 घंटे के बाद हो, वो मान्य होगा। और ये सवाल आ रहा है कि बिहार सरकार ये चाह रही है कि यथाशीघ्र जल्दी से भर्ती पूरी कर ली जाएगी, और भर्ती पूरी करने के बाद समय कम मिलेगा इसलिए वो नहीं लेंगे। लेकिन ध्यान रहे, अगर सीटेट पास को ही मौका मिलेगा, 90 प्लस वालों को मौका मिलेगा, तो आवेदन संख्या बहुत कम हो जाएगी। और बिहार सरकार ये चाहती है कि आवेदन में वृद्धि हो और आवेदक फॉर्म बढ़े, फॉर्म ज्यादा ज्यादा भरे जाए। इसके लिए उन्हें जूनियर में जूनियर शिक्षक भर्ती 6 से लेकर 8 तक अगर हम बात करें, इसमें दोनों को मौका दिया गया, बीटीसी को भी दिया गया, बीएड को भी मौका दिया। इसलिए हो सकता है शुरुआती नोटिफिकेशन दौरान वो ये जिक्र कर सकते हैं कि अपेयरिंग को मौका नहीं मिलेगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि फॉर्म चालू होने के 1-2 दिन के बाद से अपेयरिंग को मौका मिलेगा। इसके लिए मैंने भी कई मेल किया है और आयोग को भी मैंने मेल डाला, और आप भी आयोग को मेल कर दीजिएगा व्यक्तिगत रूप से अपने जो भी साथी हैं, क्योंकि इससे मौका मिलने के साथ बहुत सारे अभ्यर्थियों का उसमें सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन उनके लिए सवाल उठेगा कि सीटेट पढ़े या बीपीएससी पढ़े। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो सीटेट और बीपीएससी का कंबाइंड हम एक वीडियो बना देंगे कि दोनों की तैयारी हम एक साथ कैसे कर सकते हैं। वैसे इस वीडियो का अंत तक बने रहिए, वीडियो थोड़ा बड़ा होने जा रहा है, हम पूरी व्याख्या इस नोटिफिकेशन की करेंगे, लेकिन आप इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को, सभी साथियों को शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ये वीडियो कहीं भी देख सकते हैं, मेरे द्वारा सभी क्लासेस निःशुल्क देशहित में, राष्ट्रहित में। एक सवाल आ रहा है कि बिहार सरकार ये चाह रही है कि 2 महीने में भर्ती कंप्लीट हो जाए। देखिए, कहीं ना कहीं भर्ती जो चुनावी स्टंट का एक तरीका हो सकती है, इसलिए बिहार सरकार ये चाहेगी कि भर्ती में ज्यादा ज्यादा अभ्यर्थी आवेदन करें, बीपीएससी भी चाहेगी आवेदन ज्यादा ज्यादा हो, जब फॉर्म ज्यादा भरे जाएंगे अभ्यर्थी भी ज्यादा आएंगे, और अभ्यर्थी ज्यादा और फॉर्म भरे ज्यादा जाए, इसके लिए ये जरूरी है कि उन सभी को सीटेट अपेयरिंग लिया जाए। इसलिए सीटेट अपेयरिंग होगी, इसके लिए एकदम घबराइए नहीं। जो सीटेट अपेयरिंग है वो बार बार इस बात को लेकर भ्रमित है और उनका भ्रम भी बनता हुआ जाता है, लेकिन यहाँ पर उनकी भ्रम जो है वो स्पष्ट हो जाएगा आगे चलकर इन सारे प्रश्नों के साथ। दूसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ पे बदलाव है, ये जहाँ पे सभी जानकारी में लगेंगे, ये बीपीएससी 2.0 है, सीटेट अपेयरिंग का मौका मिलेगा। सिलेबस के बारे में मैंने बता दिया, अब सिलेबस में जो पहले 2 पेपर हुआ करता था, जैसे अगर पेपर फर्स्ट की बात करें, इस पेपर में क्या होता था, भाषा होता था। इस भाषा की अगर हम बात करें, 2 होता था 75 और 25, मतलब जो 100 प्रश्न भाषा के होते थे जिसमें 30 नंबर क्वालिफाई होता था। अब इसको जो है 30 नंबर का कर दिया गया। अब जो सेकंड पेपर होता था ये होता था 120 का जो पेपर होता था, ये सेकंड पेपर 120 का, जिसमें 80 विशेष होता था, 40 कॉमन पेपर होता था। अब इसी में 30 नंबर को भाषा को ऐड कर दिया गया है, मतलब यहाँ पर 22 नंबर का हिंदी है, हिंदी अगर आप ले रहे हैं तो, और 8 नंबर की है इंग्लिश, तो ये मिलाकर हो जा रहा है 30। इसमें से आपको क्वालिफाई मार्क 9 अंक लाने हैं, और आपकी जो मेरिट बनेगी इसी से मेरिट बनेगी। तो यहाँ पर इस बात को भी है, लेकिन भाषा का जो अंक है वो इसके अंतिम परिणाम में जुड़ेंगे, भाषा का अंक इसमें नहीं जुड़ेंगे। लेकिन ये कहां से पता चल रहा है ये भी मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, लेकिन उसके लिए आप लोग इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा। ये भी देखिए, जो विज्ञप्ति है
इस विज्ञप्ति की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर यही आपके सामने जो विज्ञप्ति है यही तेजी से वायरल हो रही है। अगर विज्ञप्ति की बात करें, इस विज्ञप्ति की पुष्टि इलनी भी दुर्गेश नहीं करता है कि यह विज्ञप्ति बिहार सरकार की है, ये विज्ञप्ति कहाँ की है, ये विज्ञप्ति वायरल हो रही है, इस विज्ञप्ति की मैं व्याख्या कर रहा हूँ। ये विज्ञप्ति कहाँ से है, कैसा है, क्या ये सत्य है या नहीं है, इसकी पुष्टि इलनी भी दुर्गेश नहीं करता है या मैं इसका भी पुष्टि नहीं करता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि द्वितीय चरण शिक्षक भर्ती जो प्रतियोगिता परीक्षा हो रही है मध्य विद्यालय माने 6 से लेकर 8 तक में 31,900 जो 82 पद होंगे, मध्य विद्यालय माने 6 से लेकर 8 तक के जो वर्ग है उसके लिए 31,982 पदों यहाँ पे दिया जा रहा है। माध्यमिक विद्यालय के लिए 9-10 के लिए यहाँ विद्यालय में जो अध्यापक पद हैं उनके पदों की संख्या 18,887 पद की बात हो रही है। फिर माध्यमिक विद्यालय वर्ग 9-10 तक के बीसीएस विद्यालय अध्यापक के लिए 270 पद है और उच्च माध्यमिक 11-12 की अगर हम बात करें, मतलब यहाँ पर हम अगर हम 6-8 की बात करें, 6-8 में जो पदों की संख्या है वो 31,982 पद है। वही अगर हम बात करते हैं टीजीटी, अगर हम यहाँ पे टीजीटी की बात करें, जो टीजीटी है वो 18,877 पद है और वहीं अगर पीजीटी की बात करें, जो पीजीटी में पदों की संख्या है वो 18,577, उसके अलावा भी इसमें है 270 पद जो है वो माध्यमिक विद्यालय में विशेष अध्यापक के लिए है और पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग विभाग जो है यहाँ पे भी 6 से लेकर 8 तक के 214 पद है और टीजीटी देख रहे स्नातक माध्यमिक शिक्षक जो है 9-10 के लिए 248 पद है और पीजीटी 11-12 के लिए भी 403 पद है, प्रधानाध्यापक के लिए 31 पद है। और अगर हम परीक्षा के विषय की बात करें तो भाषा जो है फर्स्ट जो है 30 अंकों का होगा, क्वालिफाई होगा, इसमें से 30 में से केवल 30% अंक अर्थात इसमें से 9 अंक, माने 9 अंक लाने हैं आपको 30 में से पासिंग मार्क के लिए, पास करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। दूसरा सामान्य अध्ययन होगा 40 नंबर का, ये सभी के लिए अनिवार्य हो, चाहे आप टीजीटी की तैयारी करें, चाहे पीजीटी की तैयारी करें, चाहे 6-8 तक के लिए तैयारी करें, सभी के लिए अनिवार्य है, सभी को यहाँ पर स्कोर करना है। और इसके लिए आप चाहे तो एनसीईआरटी पर फोकस कर सकते हैं, एनसीईआरटी की भी नोट्स इलनी भी दुर्गेश पर उपलब्ध है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर आप सभी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर कंप्लीट एनसीईआरटी की नोट्स आपको मिल जाएगी। मेरे द्वारा सभी क्लासेज आपके लिए निशुल्क हैं और देशित में राष्ट्रित में। यहाँ पे जो नोट्स है वो आपको आपको ध्यान दीजिएगा कि नोट्स के लेकर बार बार लोग प्रश्न सवाल पूछते हैं, इलनी भी दुर्गेश मैंने स्वयं देखा है, वहाँ पे आप चाहे तो भाषा के भी नोट्स ले सकते हैं, जो क्वालिफाई पेपर है इसके भी नोट्स उपलब्ध है, आप चाहे जीएस जीके माने जो 40 अंक इसके भी नोट्स आपको उपलब्ध है, आप चाहेंगे अपने जो विषय है सब्जेक्ट उसके भी नोट्स उपलब्ध है, अगर आप चाहेंगे इन तीनों के भी नोट्स मिल जाएंगे, जूनियर के भी नोट्स मिल जाएंगे, माध्यमिक के मिल जाएंगे, उच्च माध्यमिक तीनों के नोट्स उपलब्ध है। और अगर आप चाहेंगे एनसीईआरटी केवल, अगर आपको एनसीईआरटी के नोट्स चाहिए तो एनसीईआरटी के भी केवल नोट्स मिल जाएंगे, क्योंकि समय कम है, आपको बेहतर तैयारी करना है। और प्रैक्टिस सेट जो है फ्री आपको इलनी भी दुर्गेश पर मिल रही है, अगर आप अभी टेलीग्राम ज्वाइन कर लिए होंगे तो टेलीग्राम के माध्यम से ध्यान दीजिएगा, टेलीग्राम पे अगर आप जुड़े होंगे दुर्गेश सर सर्च करके इलनी भी दुर्गेश तो वहां पर आपको पूरी तरह से जो प्रैक्टिस सेट है वो फ्री मिल रही होगी, लगभग 100 प्रैक्टिस सेट है, आने वाले 1-2 दिन में अभी लगभग 30 प्रैक्टिस सेट मिल चुका है इलनी भी दुर्गेश के टेलीग्राम पर और फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर भी, व्हाट्सएप पे भी आप जुड़ सकते हैं। अगर मैं कहूँ तो व्हाट्सएप पे आप 94-51-062-78 पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं, यहाँ पर आपको फ्री में पूरी तरह से जो प्रैक्टिस सेट है जीएस का वो मिल जाएगा, 100 प्रैक्टिस सेट है वो 100 आपको निशुल्क मिल जाएगा। और ग्रुप में टेलीग्राम जुड़िएगा, टेलीग्राम आपको एक ही जगह मिल जाएगा, दुर्गेश सर सर्च करिएगा बिना स्पेस के इलनी भी दुर्गेश ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे सभी नोट्स आपको एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, 100 से ज्यादा प्रैक्टिस सेट है, अभी आगे 20 भी प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, इसलिए किसी को घबराना नहीं, कोई परेशान नहीं होगा। यहाँ पर हमने देख लिया 31,982 पद 6 से लेकर 8 तक है, 18,877 पद है और यहाँ पे 18,577 पद है। 6 से 8 तक के लिए सीटेट पेपर 2 अनिवार्य है, यहाँ के लिए ध्यान दीजिएगा सीटेट पेपर 2 है। और अपेयरिंग के अभ्यर्थी घबराए हुए, कई बार पेपर में कटिंग वायरल हो रही है जहां पर यह कहा जा रहा है कि भैया आप अपेयरिंग वाले मान्य नहीं होंगे, तो एकदम घबराइए नहीं, अपेयरिंग को भी मौका मिलेगा, बस ध्यान रखिए अपनी फोकस अपनी पूरी तैयारी पर रखिएगा। अगर आप अपनी फोकस अपनी तैयारी पर रखेंगे तो मिलेगा, हो सकता है जब कंप्लीट विज्ञप्ति आएगा तो सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि ये अपेयरिंग लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा। विषय गणित विज्ञान को लेकर बार बार मैसेज आ रहा है कि 6 से लेकर 8 तक के लिए जो गणित विज्ञान है, अभी तक देखिए स्पष्ट यह है कि गणित और विज्ञान एक ही में होगा, लेकिन जब विज्ञप्ति आएगी तब शायद स्पष्ट हो जाएगा कि एक ही में होगा या विज्ञान के लिए विज्ञान गणित के लिए अलग गणित होगा। भाषा के लिए परेशान न हो, और एलिजिबिलिटी के लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है, उसको भी पूरा देख लीजिएगा। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई संशय हो, एक वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। फॉर्म भरने की जो तिथि इसमें दिखाई गई है वो 5 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक दिखाई गई है, विलंब शुल्क के साथ यहाँ पे 17 नवंबर तक दिखाया जा रहा है, और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 10 नवंबर से यहाँ दिखाई दे रही है,
इसलिए हमें कुछ लग रहा है कि नोटिफिकेशन जो है फेक है, इसलिए इस पर कोई स्पष्ट नहीं आ रहा है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 25/11 थे, आप ये दिखा रहा कि ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो 25 नवंबर दिखाई जा रही है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये जो कहीं ना कहीं यहाँ पर ही बहुत सारी संशय देखने को मिल रही है कि निबंधन एवं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि जो है 5 तारीख से लेकर 14 तारीख तक होगी। तो कह सकते हैं हम लोग, या एक विचार आ रहा है कि ये शायद जो विज्ञप्ति है ये फेक है, स्पष्ट है। हो सकता है विज्ञप्ति सही भी हो सकता है विज्ञप्ति फेक भी हो, लेकिन जो भी है अभी नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अपेयरिंग वाले अभ्यर्थी एकदम पूरी तरह से अपनी तैयारी में लगे रहे हैं। और देखिए सीटेट के भी नोट्स लेने में, अगर आपको सीटेट है सीटेट चाहिए तो सीटेट के भी नोट्स उपलब्ध है। सीटेट के पेपर फर्स्ट के भी और सेकंड दोनों के नोट्स यहाँ पर एलएन पे दुर्गेश पर उपलब्ध है, तो दोनों नोट्स आप भी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और मेरी क्लासेस निःशुल्क हैं, देश में राष्ट्र में लगातार क्लासेस चल रही है। एक और चैनल है स्टडी विद दुर्गेश सर, उस चैनल पे जुड़िएगा। संडे को रविवार को एक बड़ी मैराथन क्लास आ रही है, आप उस मैराथन क्लास का हिस्सा जरूर बनिएगा। ये मैराथन क्लास आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। फिलहाल मिलते हैं नए सेशन एक नए वीडियो लेक्चर साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक पहुंचाएगा, सभी मित्रों तक शेयर करेगा। कोई प्रश्न हो वीडियो में कमेंट करिए, कोई सुझाव हो वीडियो में कमेंट करेगा। ये जो वायरल विज्ञप्ति उसके माध्यम से मैंने बताया, इस विज्ञप्ति की जो दिख रहा है आपकी, इसकी पुष्टि लेने में दुर्गेश नहीं करता है। और आप भी अपनी तैयारी में लगे रहिएगा, आप अपना बेस्ट और बेहतर देते रहिए, यकीन मानिए सफलता आपके कदमों में आने वाली है। बिहार शिक्षक भर्ती में आपको बड़ा मौका मिल रहा है। बीटीसी बीएड डीएलएड के जो अभ्यर्थी है वो 6 से लेकर 8 तक वाले आवेदन कर सकते हैं, लेकिन बीएड के अभ्यर्थी जो एजस्टेड पेपर फर्स्ट पास है वही दे पाएंगे 9-10 में, और एजस्टेड सेकंड जो पास है बीएड के अभ्यर्थी वही दे पाएंगे 11-12 के लिए, जिसे पीजीटी के नाम से जानते हैं। ठीक, दूसरी बात और आपको जानना है जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं कि फॉर्म में एजस्टेड फर्स्ट एजस्टेड सेकंड अपेयरिंग मौका नहीं मिलेगा, अगर मौका मिलेगा तो सीटेड पेपर सेकंड वालों को ये पेयरिंग का मौका मिलेगा। अभी ये उम्मीद लगाई जा रही है कि प्राइमरी में भी भर्ती आ सकती है, पीआरटी में भी भर्ती हो सकती है, लेकिन वो तब स्पष्ट होगा जब पूरी विज्ञप्ति आ जाएगी, तब ये बातें स्पष्ट हो पाएंगी। वैसे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को ज्यादा से शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जाइएगा। कोई व्यक्तिगत सवाल है तो इलानी में दुर्गेश इंस्टाग्राम पर भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को मेरी शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए मस्त रहिए, कम समय बेहतर तैयारी करने के लिए इलानी में दुर्गेश नोट्स आपके लिए बेस्ट पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं भी इलानी में दुर्गेश नोट्स जब भी मौका मिलता है तो पढ़ते रहता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।